लीजिए दोस्तों, इसमें बड़ा मुकाबला बालोत्रा बनाम जयपुर के मध्य, और यहाँ जयपुर की जबरदस्त जंग। इसमें ये बेहतरीन राइडर नजर आती हुई 18 नंबर पहचान संख्या में, अच्छा अनुभव, चाहे वो ग्रामीण ओलंपिक की बात हो या फिर स्कूली टूर्नामेंट की। अब पुष्पा चली है 2 नंबर पहचान संख्या में, बोनस की कोशिश की गई है, शायद सफल होंगी कि नहीं इंतज़ार करना होगा, बड़ा बोनस नज़र आना चाहिए। टच पॉइंट की भी मांग की जा रही है यहाँ, जी हाँ, बोनस प्लस टच पॉइंट। एक बार फिर से वही बालिका जो कि जयपुर की उमदा और बेहतरीन रेडर, बालोतरा लगातार 2 मैच 2 जीत कर चुका है, ये तीसरा मैच आज का, और यहाँ बड़ी रेड, ये देखिए बोनस के साथ टच पॉइंट, 2 पॉइंट का मुजाहिरा, जबरदस्त फॉर्म में है पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर भी। जयपुर की बालिकाओं की भी दाद देनी होगी, यहाँ बड़ा बोनस फिर से, अच्छा प्रयास पुष्पा, निश्चित रूप से स्टार राइडर, और यहाँ टॉ टच की कोशिश में, 6 का डिफेंस, हवा में किक की कोशिश, बोनस से स्कोर में देखे इजाफा, बालोतरा बनाम जयपुर, बेहतरीन मैच, सबकी निगाहें इस मैच के ऊपर, गुलाबी नगरी पूरे रंग में नज़र आ सकता है इस मैच में। डी लाइन को छूकर या फिर बोनस का प्रयास किया था, शायद सफल हो सकती हैं, जी हाँ, बोनस से ही सही स्कोर में वर्दी करता हुआ पिंक सिटी जयपुर, बोनस का देखे फिर से इस्तेमाल किया है यहाँ, और सफल होंगे क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर लगा इस साइड से। टच पॉइंट की कोशिश में इसमें पुष्पा, और झपट्टा मारा है, जी हाँ, टच पॉइंट के साथ बोनस होना चाहिए, जी हाँ, 2 पॉइंट के साथ बड़ी रेड, और ये होनार बालिका इस समय जयपुर की, जो शायद ग्रामीण ओलंपिक में अजमेर की ओर से खेली थी, इसमें पिंक सिटी की ओर से खेलती हुई, और यहाँ कॉर्नर कमजोर, फायदा उठाते हुए इस समय 2 पॉइंट का इशारा, बिल्कुल तराजू की तरह मुकाबला, बराबर का पलड़ा, 7-7 का स्कोर, जबकि यहाँ बोनस पे पुष्पा, और यहाँ थाई होल्ड, क्या पहुँच जाएंगी, थोड़ा सा पीछे रह गई, बड़ी रेड हो सकती थी, रेड आउट, यहाँ बोनस हालांकि अर्जित किया, यानी कि 9-9 का स्कोर, अब माफ कीजिए 8-8 का स्कोर, 18 नंबर में इस वक्त बेहतरीन संघर्षशील खिलाड़ी, शाइनिंग स्टार के रूप में चमकती सितारे से कम नहीं, समय बिताना भी लाजमी है। पुष्पा एक बार फिर से टीम के कोच करणजीत सिंह जी बेहतरीन प्रशिक्षण देते हैं, और एक अच्छी टीम मैदान में उतारी है अनूपगढ़ में, बोनस से फिर से स्कोर में इजाफा, अठारह नंबर पहचान संख्या में सबसे बड़ी स्टार इस मैच की साबित हो सकते हैं ये पुष्पा हो या फिर जोशना हो, लेकिन अजमेर की इस रेडर की दाद देनी होगी, ढाई अंकों में पहुंच गया है बालोतरा शायद, लेकिन जयपुर थोड़ा सा पीछे, 10-9 का स्कोर, 1 अंक पीछे है, बेहद कांटे की टक्कर, और यहां शिकार हो गए, लीजिए एंगल होल्ड से बराबरी पे आता हुआ जयपुर, 10-10, पिंक सिटी गोज टू इन डबल फिगर, सुपर टेकल में इसमें बालोतरा, और ये अग्नि परीक्षा डिफेंस की, 10 नंबर पर 4 संख्या में, क्योंकि स्कोर 10 है इसलिए 10 नंबर को ही आगे भेजा ताकि अंकों के सहयोग का फायदा मिल सके। जमुना शायद चली है अब 1 नंबर में, तो जमुना भी जबरदस्त लय में है, बोनस की कोशिश, शायद आधा दोहरा प्रयास, लाइन के ऊपर पांव था, दस दस का स्कोर बराबर, सुपर टेकल का संकट, क्या सुपर टेकल से बाहर निकल पाएगा, यदि बाहर नहीं निकला तो दबाव बढ़ेगा फिर ऑल आउट का, टेकल करने की जरूरत है, और टच पॉइंट का वाजे, देखिए कवर नहीं किया कॉर्नर पे, जमुना को बाहर कर जाना पड़ेगा, अब जमुना, माफ कीजिए,
जमुना ही रेड पे चली हैं। पिछली रेड पे जमुना की सहेली थी जो बाहर गई थी। अठारह नंबर में स्टार राइडर इस समय पिंक सिटी जयपुर से। और ये लीजिए लक्ष्य तक पहुंच गए एक पॉइंट बहुमूल्य। बालोतराब दीपा हैं शायद अंतिम खिलाड़ी। ऑल आउट का खतरा, पॉइंट की कोशिश होगी। टोटस से यहाँ पे सही बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया, शायद बादाम का इस्तेमाल करते हैं खाने में। और ऑल आउट से बचता हुआ अभी भी थोड़ी सी बढ़त जरूर है इस समय जयपुर के पास, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से भी आगे है क्योंकि सुपर टेकल का संकट है। जोशना और ईमानदारी का परिचय दिया, नौ नंबर में कवर नहीं कर पाई। फिर से वही बालिका ऑल आउट से कितनी देर खैर मनाएगा बालोत्रा देखते हैं। ठीक सामने जो कि बेहतरीन कोच या निगाहें रखे हुए इस मैच के ऊपर। एंगल होल्ड का शिकार हो गए, इसके साथ ही बालोत्रा पहली बार आउट, ऑल आउट इस मैच में। कोचिज इसमें लगातार कोचिंग देती हुई टीम को, 17 पे पहुंच गया है जबकि 10 स्कोर है बालोत्रा का, यानी कि 7 अंक की बढ़त है। ऑल आउट के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से भी आगे है इस समय, प्रशिक्षक के रूप में कोच इस समय प्रशिक्षण देते हुए प्रदर्शन से तो संतुष्ट होगी, लेकिन आगे के खेल में देखते हैं जयपुर कैसे पेश आता। हर्षिता चले हैं रेड पे, हर्षिता 18 नंबर पहचान संख्या इनकी। और यहाँ देखे क्या 18वां पॉइंट मिलेगा ना। बालोत्रा लगातार गलती करता हुआ पुष्पा को निशाना बनाया, बाहर भेजा रहा जोशना। हालांकि जोशना के जोश आगे चित्तौड़गढ़ ढेर हो गया था, लगातार 2 जीत दर्ज की यहाँ प्रातःकाल में। और अब संध्या के समय में थोड़ा सा झुकता हुआ, लेकिन यहाँ टच पॉइंट अर्जित किया है 11वां पॉइंट। हर्षिता की तारीफ करें उतनी कम है, जबकि दीपा भी 5 नंबर में, पुष्पा जोशना मूली कमाल के प्रदर्शन के लिए। 3 नंबर में देखिए मूली जो कि अच्छा कवर कर रही है कॉर्नर पे। जयपुर बोनस से देखिए 19 पे पहुंचा है, 19-11। और बैक होल्ड की कोशिश, लेकिन बड़ी रेड यहाँ एक पॉइंट का इशारा। 13-19 छैंक पीछे 10 नंबर में जयपुर। पुष्पा पुष्पा टोटस की कोशिश, लेकिन ये आसान नहीं क्योंकि पिछले लाइन पे है। बोनस ऑफ हवा में किक करने की कोशिश, काफ़ी बेहतरीन प्रयास है, लेकिन दबाव यहाँ बनाता हुआ जयपुर, लेकिन जयपुर की गिरफ्त से बाहर इस समय बालोत्रा। 20-14 का स्कोर कोचेज यहाँ देखे जयपुर की से और बालोत्रा से। क्या मंत्रणा रही होगी, कहीं मैच फिक्स तो नहीं है, लेकिन इधर ये प्रशिक्षक के रूप में देखिए दिशा निर्देश देते हुए लगातार बालोत्रा टीम को। 14-20 के साथ छैंक की लीड, हर्षिता चली है जयपुर के खेल से। हर्षित होता हुआ खेल कबड्डी का, और यहाँ कमजोर पकड़ फायदा उठाते हुए इसमें पुष्पा। 21वां पॉइंट और 21 जयपुर बालोत्रा के सामने। यहाँ टच पॉइंट मिलेगा, जी हाँ 15वां पॉइंट, 15-21 से 6 का फासला, जो कि काफ़ी देर से सिलसिला है। ये फर्स्ट हाफ का खेल अब ज़्यादा नहीं, हाथ को आगे बढ़ाया कदमों का इस्तेमाल करते हुए। देखते हैं कितनी सफल रहती हैं। 7 का सॉलिड डिफेंस, बोनस से 22 पे 22। और ये देखे छोटे बच्चे को गोद में लिए और यहाँ धक्का देकर बाहर धकेला, रेडर आउट। हर
अर्शदा लगातार रेड लेके आगे बढ़ रही है, इसमें बैक हॉल्ड की कोशिश और यहाँ बाहर जाना होगा, रेड आउट, हाथ हवा में था, नीचे नहीं टिकने दिया और ये बड़ी सफलता मिली है इस समय। बड़ी मछली जाल में जोशना ने कुछ जोश के साथ हिदायत दी है पुष्पा को, क्योंकि इस समय डिफेंस कमजोर होगा और यहाँ वापस मैच में लौटने का अवसर है। अब बड़ा रेडर नहीं जयपुर के पास, क्या ऑल आउट कर पाएगा बालोत्रा इस समय। बड़ी रेड चाहिए टच पॉइंट के, यहाँ मिलनी चाहिए। जी हाँ, 9 नंबर में बाहर जाना पड़ा, सुपर टेकल से बाहर निकलता हुआ इस टच पॉइंट के साथ ही जोश में आता हुआ जोशना एंड कंपनी। यहाँ धक्का दिया लेकिन पहुँच गई सफल रेडर 2 पॉइंट के साथ इस समय। कमजोर डिफेंस जयपुर का, 24 जयपुर जबकि 19 बालोत्रा, 5 अंक पीछे है, 2 ही खिलाड़ी इस समय कोर्ट पे जयपुर के। क्या टच पॉइंट मिलेगा यहाँ, एक अच्छा डिफेंस बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। अच्छा ब्लॉक क्या है, साइड लाइन से बाहर भेजा चैन बनाकर और यहाँ 20 पे पहुँचता हुआ, 20-24 अब 4 अंक पीछे और ऑल आउट के साथ ही लगभग बराबरी पे होगा बालोत्रा। अंतिम डिफेंडर कितनी देर खैर मनाएगी देखते हैं। यहाँ ऑल आउट के साथ ही पहली बार ऑल आउट यहाँ जयपुर बालोत्रा के सामने, हिसाब चुकता किया। एक एक बार दोनों ही टीमें एक दूसरे को ऑल आउट कर चुके हैं और यहाँ पकड़ मजबूत है, क्या पहुँच गई देखते हैं बड़ी रेड। टच पॉइंट इधर भी अर्जित किया है, स्कोर इस समय 25 बालोत्रा जबकि 26 जयपुर। लगातार निर्णायक ऑफिशियल्स यहाँ और लगातार गणना करते हुए तमाम ऑफिशियल्स बोनस की कोशिश में यहाँ और टच पॉइंट अर्जित करने में कामयाब। अब लीजिए हाफ टाइम का समय, मिड टाइम चेंज द कोर्ट, सेकेंड हाफ शुरू होता हुआ हर्षिता ही चली है 27-25 के साथ, 2 अंक की बढ़त जयपुर के पास और बड़ी बढ़त नहीं इसलिए सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। हर्षिता यहां हर्षित होते भी जयपुर के दृष्टिकोण से शानदार प्रदर्शन, अब तक अधिकतम अंक उन्हीं के नाम दर्ज हैं। क्या बोनस मिलेगा, नहीं। पुष्पा चली है, पुष्पा ने भी निश्चित रूप से काफ़ी बेहतरीन खेल दिखाया है और यहाँ कमज़ोर पकड़ इस समय जयपुर की और पुष्पा बोनस के साथ टच पॉइंट लिया, यानी कि बराबरी पे आता हुआ अब 27-27। तराजू की तरह दोनों पलड़े बराबर नजर आते हुए, कमज़ोर डिफेंस और यहाँ मूली को बाहर का रास्ता दिखाया, मूली डिफेंस करने में सफल जबकि पुष्पा एक बार फिर से होनार। लाडली बेटी इस समय बालोत्रा से जबकि जयपुर की भी होनार बालिकाएं, टच पॉइंट की मांग और 10 नंबर को बाहर का रास्ता दिखाया। देखिए बोनस के साथ यानी कि 2 रेड से 4 पॉइंट सेकेंड हाफ में, 29-28 एक अंक की बढ़त और पहली बार शायद बालोत्रा इस मैच में लीड पे, 29-28 के साथ बालोत्रा बढ़त और यहां बोनस की कोशिश में हर्षिता क्लियर नहीं, दबाव बनाने की कोशिश। देखते हैं यहाँ डाइव लगाते हुए बैक होल्ड कर सकती थी कॉर्नर पे यदि चाहती तो मूड़ी, क्योंकि गति से आगे बढ़े उसी वक्त अटैक करना चाहिए, जब पूर्वानुमान आपका हो तब आप अच्छे से कर सकते हैं। 5 के डिफेंस में इसमें जयपुर थोड़ा सा पीछे और यहाँ ज़बरदस्त वापसी कही जाएगी बालोत्रा की। तीसरा मैच आज के खेल में ये बालोत्रा का और 2 लगातार जीत के बाद अब तीसरे मैच में भी अच्छी स्थिति में। जयपुर झूझता हुआ और यहाँ शिकार किया है जबरदस्त बेहतरीन कैच, 29-29 और टेक्निकल पॉइंट दिया गया है यहाँ, लेकिन जोशना ने ये बड़ी गलती की, एक अजीबोगरीब तरीके से कैच करने की कोशिश है। 30-30 का स्कोर, कमजोर पकड़ और यहाँ एक पॉइंट सिर्फ है बालोत्रा की झोली में, यानी 31-29 2 अंक आगे अब बालोत्रा जयपुर से।
बैक किक की कोशिश, कॉर्नर पे मूली जबकि दूसरे कॉर्नर पे हैं शायद जमना। 10 नंबर में समझ जयपुर, जयपुर बॉनस अर्जित करने में कामयाब। अब 30 पे पहुंचा, 30-31 का स्कोर। बॉनस की तलाश में पुष्पा, और पुष्पा हो ज्योत्ना हो बड़ी राइडर हैं ये बालोत्रा की होनार, उभरती हुई स्टार। टच पॉइंट की कोशिश, क्या मिलेगा? बोनस का इशारा आता हुआ। 32-30, दो अंक अभी भी आगे बालोत्रा। तो अंतिम समय में यह खेल देखते हैं किस तरफ जाएगा। हालांकि अच्छी वापसी ऑल आउट करते हुए हिसाब चूकता किया, एक एक बार दोनों टीमें ऑल आउट हैं। और यहां धक्का दिया लेकिन पहुंच गई एक पॉइंट के साथ। यहां 32-32 का स्कोर, बराबर पलड़े। तराजू निश्चित रूप से किधर झुकना नहीं चाह रही। बोनस की कोशिश की है लेकिन स्लिप होके गया शायद पाँव। बोनस बड़ा 33-32, एक अंक की बढ़त है फिर से बालोत्रा के पास। काफ़ी कांटे की टक्कर, बेहद रोमांचक मैच। इससे बड़ा मुकाबला और क्या हो सकता है? जयपुर जम्बो गुलाबी नगरी पिंक सिटी, यहाँ पॉइंट गंवाई हा जमना ने। 33-33 स्कोर, तराजू की तरह निश्चित रूप से काफी कांटे की टक्कर। और यहाँ कमजोर पकड़, दो पॉइंट यहाँ गंवाए हैं। जी हाँ, अब 35 प्लस बोनस यानी सुपर एड बालोत्रा की। 36-33 का स्कोर, लेकिन यहाँ फिर से गलती दोहराई है। इस प्रकार की गलतियों से बचना होगा। 34-36 का स्कोर, बोनस तक पहुंचती भी शायद पुष्पा। बोनस के साथ टच पॉइंट यानी 38, 34-38, चार अंक का गैप। चार अंक की बढ़त है बालोत्रा के पास, और कितनी देर कामयाब रहता है देखते हैं इस बढ़त को बनाने में। हर्षिता लगातार प्रयास करते हुए, यहाँ कमजोरी है बालोत्रा की लेकिन सेफ। सेफ ही कम बैक। 9 नंबर में इस समय ये सबसे युवा प्रतिभावान खिलाड़ी जयपुर की ओर से बोनस से देखिए स्कोर को बढ़ाए 35। कोच यहां लगातार हिदायत देती हुई, 35 जयपुर जबकि 38 से बालोत्रा, इसलिए थोड़ा सा दबाव जयपुर के ऊपर। कोचेज पूरी ताकत झोंकते हुए खिलाड़ियों के ऊपर, पूरा अनुभव और कितना वापसी करता है उनके गाइडेंस से देखते हैं जयपुर की बालिकाएं। फिर से पुष्पा चली हैं, 3 अंक की सही बढ़त तो है बालोत्रा की अब तक जयपुर के ऊपर। समय बिताना भी अब चाहते। 9 नंबर में यहाँ अच्छा पोस्ट किया है बाहर, देखते हैं बड़ी रेड। और कोचेज यहाँ देखे बोनस की मांग कर रहे हैं।37-38 बोनस से देखे 39, दो अंक की बढ़त अभी भी, लेकिन हर्षिता चली है अब, बड़ी रेड हो सकती है ये। टच पॉइंट, ज्योत्ना को बाहर भेजा, सामने से कवर नहीं किया। 1 नंबर में 38-39 पुष्पा पहुंच गई, 2 पॉइंट यहां पे बोनस के साथ, 2 पॉइंट। दबाव में इस समय जयपुर 41 पे पहुंचता हुआ बालोत्रा, जबकि 38 है जयपुर। 3 पॉइंट की बढ़त बालोत्रा, काफी देर से ये बढ़त देखने को मिल रही है। हर्षिता दबाव में है,
रेडर आउट यहां लॉबी में गए और गंवा दिया पॉइंट। 42 बालोत्रा जबकि जयपुर 38 यानी 4 अंक की बढ़त है। सबकी निगाह इस मैच पे। पुष्पा चले हैं, कोटस का कोशिश किया था, 4 का डिफेंस है, मुश्किल हो सकता है यहाँ। सेफ अगर लौटे तो अच्छा होगा क्योंकि बड़ी रेडर इस समय जयपुर के पास दिखाई नहीं दे रही। 38-42 के साथ 4 अंक की बढ़त है जो काफी महत्वपूर्ण, और यहाँ पकड़ मजबूत है, जबरदस्त एंगल होल्ड से यहाँ शिकार करता बालोत्रा। अब 43-38 से बढ़त 5 पॉइंट की नजर आने लगी है। सेफ ही वापस पुष्पा, हालांकि सुपर टेकल है, चांस ले सकती है मगर लालच में नहीं आना चाहती। दबाव में यहां से पॉइंट कमाए तो ऑल आउट का खतरा साफ दिखाई देगा, नहीं है, और यहां कॉर्नर पे रेडर आउट। 39 चिंतित है इस समय जयपुर की कोच, और यहां लीजिए बेहतरीन डिफेंस है जयपुर इस समय खुश दिखाई देता हुआ। 40 पे पहुंच गया है, क्या यहां बड़ी रेड होगी, लॉबी में गई है, रेडर आउट लॉबी में गई थी रेडर आउट, और 45 पे पहुंच गया है बालोत्रा। 45-40 का स्कोर, 5 अंक की बढ़त, जयपुर निश्चित रूप से संकट में, अंतिम 4 मिनट से भी कम समय से। 3 नंबर पहचान संख्या में इस समय जयपुर लाइन के ऊपर टच पॉइंट की कोशिश, रेडर सेफ, डी लाइन को छूकर वापस बालोत्रा समय गुजारता। 45-40 का स्कोर, दबाव इस समय जयपुर पे, और टच पॉइंट यहाँ, जी हाँ, 41वां पॉइंट इस समय, कॉर्नर पे लगातार कमजोर इस समय कहीं ना कहीं बालोत्रा। डी लाइन को छूकर सेफ कम बैक, क्या पॉइंट के लिए आगे जाएंगे, जयपुर की स्पॉट के लिए, और यहां ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश, लक्ष्य तक पहुंचे, 1 पॉइंट का इशारा यहां, लगातार कोच चिंता में है, पॉइंट की मांग की जा रही है। 46-41 का स्कोर है, और यहां ये देखिए जोशना सामने से कवर नहीं कर पा रहा, 7 नंबर में कमला दबाव में, और अगर सामने वाले कॉर्नर से कवर नहीं करेंगे तो पॉइंट लेके ही जाएगा रेडर, फिर वो चाहे जयपुर का हो या बालोत्रा का। 42-46 और यहां टच पॉइंट की मांग, टच पॉइंट शायद, 1 और पॉइंट यहां, और यहां पूरी ताकत झोंकते हुए कोच की निगाहें देखे, टाइम आउट यहां पे, जयपुर इस समय खुश, टीम की कोच इस समय शायद कुछ संतुष्ट नहीं है, और यहां देखते हैं मैच शुरू होने की तैयारी में इस समय, टीम की कोच जयपुर से लगातार गाइडेंस देते हुए, कोचिज के साथ इस समय, अंपायर निर्णायक दल के साथ इस समय जयपुर की कोच विचार विमर्श। लीजिए खेल पुनः शुरू होता हुआ टाइम आउट के बाद, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखिए, व्यवस्था बनाने में राजस्थान पुलिस का भी अहम योगदान, अनुशासन के साथ। लीजिए 3 नंबर में मूली चली है रेड पे, 47-46 के साथ 1 अंक की मामूली बढ़त बालोत्रा के पास, जयपुर यहां पलटवार कर सकता है, बेहद रोमांचक मुकाबला इस समय, क्या पॉइंट लेकर आगे बढ़ेगा,
देखते हैं जयपुर क्या यहां वापसी कर पाएगा। और यहां पॉइंट गंवाया है बल्होत्रा ने, यानी 47-47 बराबर। जमुना इस समय अंडर प्रेशर, देखते हैं जमुना टच पॉइंट अर्जित कर पाती कि नहीं। ऑल आउट के साथ बड़ी जीत, यानी कि बड़ी बढ़त हो सकती है जयपुर के दबाव में बल्होत्रा की बालिका। और यहाँ लॉबी में जाने से बचे हैं, क्या रेडर लॉबी में है, बाल बाल बची लॉबी में जाने से। हर्षिता इस समय दो के डिफेंस में, बड़ा डिफेंस चाहिए, सुपर टेकल यहाँ देखते हैं। और अच्छा मौका है इस समय सुपर टेकल से, झूम बराबर झूम, करणजीत सिंह यहाँ झूमते हुए। और क्या जोश जज्बा है यहाँ बल्होत्रा की टीम में सुपर टेकल से बढ़त पे। लीजिए समय समाप्त और यहाँ बच गई सिटी। इसके साथ बेहद रोमांचक मैच में बल्होत्रा ने जीत दर्ज की है जयपुर के ऊपर दो पॉइंट के मामूली अंतर से 47-49। नच बलिए, खुशी का ठिकाना नहीं समय, जबरदस्त जीत दर्ज की है यहाँ पे बल्होत्रा ने बेहद रोमांचक मैच में। अंतिम समय में क्या खेल दिखाया, वेल डन, खुशी का ठिकाना नहीं। बाग बाग बल्होत्रा, करणजीत सिंह यहां टीम के कोच और बेहतरीन रोल अदा किया अंतिम समय में कोचिंग गाइडेंस देते हुए। और शानदार जीत से इस समय लगातार तीसरी जीत यहां, वेल एक्सीलेंट प्लेड बोथ टीम, बट जीत आखिरकार बल्होत्रा की। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच।